गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम फॉर हम अपने कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप लोगों के 5 मिनट के इस सेशन में, जहाँ पे हम लोग करते हैं 5 क्वेश्चन साइंस के। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका साइंस के करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से है, जो कहता है कि प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले चगास रोग की थीम फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चगास डिजीज है। भाई देखो, आप लोगों के पेपर में थीम्स पूछी जाती है, इस वजह से इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन के माध्यम से याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, याद कीजिएगा, ठीक है। तो 14 अप्रैल भाई 2000 सन से हर साल 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, चगास डे मनाया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके इस चगास रोग के खिलाफ। इस चगास रोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। भाई देखो, मैं इसकी कुछ कुछ खास बात बता देती हूँ। जैसे एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है, कौन सा है, प्रोटोजोआ जनित रोग है जो ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो आपका ट्रिपैनोसोमा नामक आपका जो वो प्रोटोजोआ है, ये कौन सा है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, इसके कारण ये फैलता है। मतलब जब ट्रिपैनोसोमा क्रूजी आपके अंदर आ गया ना, तब क्या हो गया, तब आपको ये रोग हो जाता है चगास रोग। अब ये जो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी है, इसको एक बग आपके शरीर के अंदर लाके डालता है। वो जो बग है वो आपको स्पेशली लैटिन अमेरिका में मिलता है, यानी कि सऊदी अमेरिका में मिलता है, और इसी वजह से हम इस रोग को अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं, या फिर अमरीकी नींद की बीमारी कहते हैं, अमरीकी नींद की बीमारी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अमरीकी नींद की बीमारी या नींद का रोग जो है वह कौन सा है, तो आप क्या कह दोगे, अमरीकी नींद का रोग या बीमारी है अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस या फिर चगास रोग, ठीक है। पेपर में कुछ भी आ जाए इसको ध्यान रखिएगा। 2000 सन से इसको मनाया जा रहा है हर साल WHO के द्वारा, और ये जो चगास नाम के साइंटिस्ट थे, मतलब जो डॉक्टर थे, उन्होंने पहली बार इस रोग को पकड़ा था, इसी वजह से इन्हीं के नाम से इस रोग को जाना जाता है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और ये प्रोटोजोआ जनित रोग होता है जो एक बग के द्वारा आपके शरीर में लाया जाता है। रात में वो कीड़ा आपको काटेगा, ठीक है, और वो फिर क्या करेगा, वो आपके शरीर के अंदर इसको गिफ्ट देके चला जाता है कि ये लो, तुम लड़ते रहो इस रोग से, ठीक है। अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, जल्दी ही पता लग जाता है, तो इंसान इस रोग से बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इकोलॉजी का सेक्शन है, कहता है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है, कृत्रिम पारितंत्र इनमें से कौन सा नहीं है। पारितंत्र बोले तो जहां पे उत्पादक होगा, वो जो उत्पादक है वह उसको कोई प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, यानी कि प्राइमरी उपभोक्ता खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, फिर उसको टर्शियरी कंज्यूमर खाएगा, यानी कि इस प्रकार से चीजें चलेंगी। उत्पादक को उपभोक्ता ने खाया, उपभोक्ता को दूसरे उपभोक्ता ने, इस प्रकार से चीजें चली। जैसे हम लोग देखते हैं, प्लांट को खाया उसने, रैबिट ने, ठीक है, और रैबिट को फिर किसने खाया, शेर ने खाया, इस प्रकार से जो सिस्टम चलता है ना, उसी की बात हो रही। तो यहाँ पे देखो, ओशन के अंदर अगर हम देखें तो मैम, ओशन तो भगवान जी ने बना रखा है ना, पृथ्वी के निर्माण के समय से है, तो ये तो मानव नहीं बना सकता, कृत्रिम नहीं हो सकता। फॉरेस्ट ये भी पहले से बने हुए हैं, लेक्स ये भी पहले से बने हुए हैं, लेकिन जो गार्डन होता है ये तो हम खुद बनाते हैं ना, तो यहीं पे क्या होगा, जो प्लांट्स होते हैं उसको कीड़ों ने खा लिया, कीड़ों को छिपकली ने खा लिया, छिपकली को फिर किसने खा लिया, बिल्ली आदि ने खा लिया। तो बेसिकली ये क्या हुआ बच्चे, हम क्या देखेंगे कि गार्डन्स जो होते हैं ये क्या है, ये आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस देखो, एसएससी एमटीएस के अंदर ये सवाल आपसे पूछा गया था। अगला सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल है, जो आपका 2016 वाला पेपर था उसका है। कहता है कि सिलिकॉन कॉमनली किस रूप में इस्तेमाल होता है, अर्धचालक के रूप में, चालक के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में, या कुचालक के रूप में। तो देखिएगा, जो सिलिकॉन होता है ना, उसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इसकी जो कंडक्शन प्रॉपर्टीज होती है उसको काफी हम नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो चालकता होती है वो चालक और कुचालक के बीच में होती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको अर्धचालक के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है, और ये हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 14 का मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायो का क्वेश्चन है, कहता है कि हाथी, भालू और गेंडे इसके उदाहरण हैं। अगेन एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल कहता है कि भाई ये तीनों चीजें किसके उदाहरण है, तो हाथी देखते ही हमको पता चल गया कि मैम ये तो स्तनधारी जीव होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्तनधारी जीव, ठीक है, मैमल्स का ये उदाहरण हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन ये आपका अगेन एनटीपीसी सीबीटी 2,
लेकिन फिजिक्स का सवाल है, कहता है कि एक समान सीधी रेखा पर सड़क पर निरंतर त्वरण, निरंतर त्वरण मतलब वहां पे कुछ ना कुछ त्वरण, मान लीजिए n मीटर पर सेकंड स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। से चलने वाली कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि त्वरण शून्य है। तो बच्चे अगर सोचेगा यहाँ पे इसने खुद बोला है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसको जीरो कैसे मान सकते, नहीं मान सकते ना, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर जीरो होता तो ये यहाँ पे सीधा तो होता है जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है वेलोसिटी ऑफ द कार इज जीरो, कार का वेग शून्य है, ठीक है। कार का वेग अगर शून्य होता, पहले तो एक्सेलरेशन को समझिए, मान लीजिए इस गाड़ी पे चल रहा, गाड़ी जो है इस रोड पे चल रही है, पहले उसने ए से बी में उसने एक सेकेंड के अंदर 2 मीटर कवर किए, बी से सी में 1 सेकेंड में 4 मीटर, सी से डी में 1 सेकेंड में 6 मीटर, डी से ई में 1 सेकेंड में 8 मीटर। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूं, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी जीरो रही होगी, वहां से इसकी बी पे वेलोसिटी हुई 2 मीटर प्रति सेकेंड, सी पे हो गई 4 मीटर 1 सेकेंड में तो 4 मीटर प्रति सेकेंड, डी पे हो गई 6 मीटर 1 सेकेंड में तो 6 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी V4 यानी कि E पे। अब अगर मैं यहां से त्वरण निकालना चाहूं, बच्चे त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, V2 - V1/T, यानी कि फाइनल वेग जो है, जो आपका अंतिम वेग है, उसमें से शुरुआती वेग माइनस कर दीजिए और उसको समय से विभाजित कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि आपका त्वरण, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने त्वरण निकाला, 2 में से 0 गया / 1, कितना आ गया, 2 - 0 = 2 हो गया। अच्छा यहां देखो, सी पे निकालते हैं त्वरण, 4 में से 2 गया / 2/1, तो क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे देखो, डी पे निकाले, 6 में से 4 गया / 1, क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 में से 6 गया / 2 और 2/1, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहां पे देख रहे हो, हम क्या देख रहे हैं मैम, लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है ना, वेग यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, तब हमें एक निश्चित त्वरण मिल रहा है, एक सही त्वरण मिल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मान हो सकता था एक्सेलरेशन का, मैंने 2 लिया है ताकि सिंप्लीफाई हम आराम से कर सके, आप आसानी से इन नंबर्स को घटा बढ़ा सके, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर कार की शून्य होती तो क्या वो गाड़ी आगे चल रही होती, नहीं। क्या उसमें कोई त्वरण होता, नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो गया है कि इसकी वेलोसिटी शून्य है, गलत। वेलोसिटी बदलने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है, या मतलब 3 तरीके होते हैं आपके एक्सेलरेशन को बदलने के, या तो वेलोसिटी बढ़ाइए या घटाइए या फिर डायरेक्शन को बदलिए, ठीक है, और इन तीनों में ही ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट आ जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। हमने इसमें क्या देखा मैम, लगातार त्वरण जो है ना, वह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो बदल नहीं रहा है, और इन्होंने अपने इसमें सीधा बोला था कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये 2 स्टेटमेंट तो ना इसी से खारिज हो रही थी, दिमाग ही नहीं लगाना था, ठीक है। लास्ट देखिए, अब तो बचा ही आंसर ये है, तो वैसे तो आंसर यही होगा, लेकिन समझ लेते हैं। कहता है कि वेलोसिटी ऑफ द कार इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, क्या ऐसा हो रहा है, क्या हमने इस डायग्राम में देखा कि वेलोसिटी लगातार बदल रही है, 2, 4, 6, 8 बदल रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, यही आपका सटीक ऑप्शन हो जाएगा, और आई थिंक सो आप लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी अब समझने में, और आप लोग अच्छे से, अगर आपके पेपर में ऐसा सवाल आता है तो आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, या फिर अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो दोपहर को 3 बजे मेरे साथ SSC एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल पर जुड़ सकते हैं, जहां पे करते हैं हम और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। तो मिलेंगे अपने पंचामृत साइंस में, और अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके आज क्वेश्चंस कितने सही हुए, ठीक है। साथ साथ 17 अप्रैल सुबह 11 बजे एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपके लिए आ रहा है जीत मशाल की, ठीक है, मशाल जीत की, तो आपको वहां पे भी जरूर जुड़ना है विवेक सर के साथ सुबह 11 बजे संडे 17 अप्रैल को, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट पंचामृत सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।